एक एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा के पास, जो बता रहे हैं कोल इंडिया में क्या है बड़ी बात। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कोल गैसिफिकेशन के लिए एक बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है। कोल गैसिफिकेशन की इनपुट कॉस्ट कम रहे, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, इसके लिए कोल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को GST एग्जेम्पशन देने की सिफारिश की थी। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अब वित्त मंत्रालय इस एग्जेम्पशन देने को तैयार है, लेकिन इसको GST काउंसिल की अगली बैठक में लेकर जाया जा सकता है। ये जो GST एग्जेम्पशन होगा, ये कोल सप्लाई जो होगी माइन से कोल गैसिफिकेशन बनाने के लिए, उसके लिए GST का एग्जेम्पशन होगा। और एक जो टाइम फ्रेम होगा वो पहले से डिफाइन होगा कि इतने टाइम फ्रेम के लिए ही ये GST का एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन एक नया मेथड है गैस बनाने के लिए। तो सरकार ये चाहती है कि इसमें कम से कम इनपुट कॉस्ट रहे, इस वजह से GST का एग्जेम्पशन कोल मंत्रालय ने रिकमेंड किया था, और अब इस रिकमेंडेशन पे सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जल्द ही कैबिनेट इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग को भी अलाउ कर सकता है। 6,000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग यहाँ पे अलाउ हो सकती है। इस पे भी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पूरा हो चुका है, जल्द ही कैबिनेट के पास आ सकता है। इसके साथ साथ ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोल इंडिया ने गेल, भेल और IOCL के साथ ऑलरेडी MOU साइन कर रखे हैं 4 कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाने के लिए। और यदि ये GST का एग्जेम्पशन मिलता है तो एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे कोल इंडिया जैसी कंपनीज को मिलेगा जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाना चाहती है। चलिए, तो बड़ी खबर आ रही है कोल गैसिफिकेशन को लेकर, और ऑफकोर्स बड़ा फायदा होगा कोल इंडिया पर। तरुण के खबर देते ही स्टॉक में हम थोड़ा और पॉजिटिव मोमेंटम भी देख रहे हैं। अब 3.5% ऊपर कोल इंडिया आपको दिख रहा है। शुक्रिया तरुण, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।